नमस्कार, इंडिया बॉयज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया है। उन्होंने सरयू नदी के आसपास के जिलों को गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण किया है। आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्थिति का जायजा लिया और जानकारी अधिकारियों से ली। जिलाधिकारियों को इन जिलों के प्रभावित गांवों को राहत बचाव कार्य लोगों को देने के निर्देश भी सीएम की तरफ से दिए गए हैं। साथ ही साथ बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों और पशुओं को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को तमाम आदेश निर्देश दिए। सीएम ने बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया, डीएम को राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए और तेजी से राहत काम किया जाए, ये भी निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। संत कबीरनगर, बस्ती का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही साथ अयोध्या और गोंडा, बाराबंकी भी इसमें शामिल रहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण करके प्रभावित जिलों का हाल जाना। संवाददाता अखंड प्रताप शाही हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अखंड, देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज हवाई सर्वेक्षण किया है और हवाई सर्वेक्षण के बाद सीएम ने राहत बचाव कार्य जो किया जा रहा है उसमें उसको और तेजी से करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने सरयू नदी के चलते जिन जगहों पे बाढ़ के हालात हैं उनका हवाई सर्वेक्षण किया है और इनमें डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द इनको राहत जो कार्य है राहत कार्यों में तेजी लाई जाए, राहत पहुंचाई जाए। और इसके अलावा सीएम ने गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का हवाई सर्वेक्षण किया है और इससे संबंधित जितने भी जिले हैं उन सभी जिलाधिकारियों को बाढ़ और राहत कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट भी शासन को तुरंत भेजने की बात कही है। और इन सारी चीजों की बात अगर देखी जाए तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो एनडीआरएफ, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको तैनात कर दिया गया है। इनमें 14 जिले हैं जिनमें से 247 गाँव में बाढ़ से खराब हालात का खबरें आ रही हैं और इसका जायजा आज खुद मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए लिया है। जो एरियल रूट से उन्होंने इनका सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद गोरखपुर से लौटते समय उन्होंने आज सर्वे किया और इसमें पिछले 24 घंटे में जो 16 जिलों में 25 मिलीमीटर से अधिक की बारिश का जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया है उसमें 7 जिले खासतौर पर प्रभावित सबसे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिनमें गोरखपुर, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, वाराणसी, बहराइच, अयोध्या, बरेली, इनमें 8 एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। और इसके अलावा 10 जिले जिनमें बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इटावा, अयोध्या, मिर्जापुर, इन जगहों पे एसडीआरएफ की 15 टीमें लगाई गई हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो 46 जिलों में पीएसी की 17 कंपनियों की 44 टीमों को तैनात किया गया है और अब तक 44 जिलों में कुल 67 टीमें बचाव कार्य के लिए पहले से तैनात हो चुकी हैं। तो एक बड़ा जो मुख्यमंत्री ने पहले से निर्देश दिए थे उनका आज क्या कुछ हाल, जो ताजा हालात कहते हैं इसको एरियल रूट से उन्होंने देखने की कोशिश की है। और इस समय हम लखनऊ में हैं, लखनऊ में इस समय बहुत जोरदार बारिश शुरू हो गई है तो ये समझा जा सकता है, ये जो पहले ही मौसम विभाग की जो रिपोर्ट थी कि अभी हाल फिलहाल में तकरीबन एक हफ्ते तक बारिश के आसार बने रहेंगे, बारिश होती रहेगी, तो वो अभी देखने को मिल रहा है। तो इन सारी चीजों में मुख्यमंत्री का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इन सभी तस्वीरों को देखते हुए और जिस तरीके से जगह जगह से जानकारियां मिल रही हैं कि बारिश की वजह से लोगों का बेहाल हाल हो रहा है, सड़कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए सीएम ने यह हवाई सर्वेक्षण किया और राहत बचाव कार्य को और तेजी से करने का निर्देश दिया। अखंड, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा हुई है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ गई हैं, कम होने का मुसीबतें नाम नहीं ले रही हैं। 23 साल पुराने गैंगस्टर मामले में 5 साल की सजा का ऐलान किया गया है। कल भी एक सजा का ऐलान किया गया था और आज भी एक सजा का ऐलान किया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई है ये सजा। 5 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। 44 साल के आपराधिक इतिहास में दूसरी सजा का ऐलान हुआ है। मुख्तार अंसारी गैंगस्टर के मामले में दोषी भी हैं और आपको बता दें कि 5 साल की सजा उनको इस मामले पर दी गई है। साथ ही साथ गैंगस्टर के मामले में भी दोषी करार इनको दिया गया है। 5 साल की सजा भी सुनाई गई है, 50,000 का जुर्माना भी लगा है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 23 साल पुराने एक मामले में
दोषी करार दिया है मुख्तार अंसारी को। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह निर्णय लिया है। राज्य सरकार की अपील पर पारित किया है ये पूरा जो मामला है। आपको बता रहे हैं बहुत पुराना ये मामला, लगातार मुख्तार अंसारी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। मुख्तार अंसारी पर शिकंजा जो है वो उनके खुद के ही मामलों को लेकर कसता जा रहा है। मामले एफआईआर, इस मामले की जो एफआईआर है उसकी अगर बात करें तो 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी। अखंड प्रताप शाही हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखंड, देखिए मुख्तार अंसारी की जो मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं हर दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। एक और नए मामले में उनको सजा सुनाई गई है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया है, गैंगस्टर के एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ रही है। बिल्कुल, 1999 का ये मामला है जिसमें थाना हजरतगंज में ये मामला दर्ज कराया गया था और 23 साल पुराने इस मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है और जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने इस सजा को सुनाया है। वो अपील सुनवाई कर रही थी और आज सजा का ऐलान किया गया है कोर्ट की तरफ से। हाईकोर्ट लखनऊ की बेंच जो है उसके तरफ से ये सजा सुनाई गई है और 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा इसमें सुनाई गई है मुख्तार अंसारी को। इसके अलावा जो मुख्तार अंसारी को कल जो सजा सुनाई गई थी उसमें 7 साल की सजा थी, तो जाहिर सी बात है ये मुख्तार अंसारी के जो बुरे दिन है, जो उनके काले कारनामे रहे हैं, जो उनके रसूख और जो उनके जरायम पेशे से जुड़े हुए थे, उन तमाम चीजों की अब कलई खुलनी शुरू हो गई है और कोर्ट की निगाह है, जो अदालत है, जो इंसाफ की चौखट है, वहां पे पहुंचने के बाद इस बार ऐसा हुआ है कि जब वो सजा के नतीजे तक पहुंच रहा है या उसके खिलाफ सजाएं सुनाई जा रही हैं, तो ये बेहद अहम हो जाता है। और राजनीति में आने के बाद जिस तरीके से मुख्तार का जो कद बढ़ता चला गया, जिस तरीके से अपराध के मामले में उसकी संलिप्तता रही, तमाम गैंगस्टर एक्ट उसके ऊपर लगाए गए, 60 से ज्यादा संगीन अपराधों के मुकदमे उसके चल रहे हैं, तो इस तरीके के तमाम हत्याओं के मुकदमे हैं, रंगदारी के मुकदमे हैं, गैंगस्टर्स के मुकदमे हैं, तो बहुत सारे मुकदमे उसमें दर्ज हैं। इन सारी चीजों के बीच में सैदपुर का जो मामला एनसीआर के तहत 506 में दर्ज हुआ था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मामले, अगर एक लिस्ट सिर्फ सुनाई जाए, बताई जाए, तो वो लिस्ट काफी बड़ी हो जाती है और उसमें 60 से ज्यादा मामले आ जाते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। ये किसी भी अपराधी का जो कद है वो कद बताता है कि वो किस तरीके से समाज के लिए कितना खतरनाक साबित होता रहा और खासतौर पर तब जब वो सफेदपोश हो चुका हो। दर्ज थे जिस तरीके से मामले इनके ऊपर दर्ज थे, कह सकते हैं कि जब ये अपने पावर में रहे तो इन्होंने जनता के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और जिस पोजीशन पे ये थे उस पोजीशन पे रहते हुए इतने बड़े मामलों में इनका संलिप्तता, इनकी होना, ये बहुत बड़ी बात है और कह सकते हैं कि बड़ी शर्म की भी बात है। जाहिर सी बात है जब ये सबसे खतरनाक कॉकटेल कहा जाता है, जब सियासत और जरायम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, तो वो दोनों ही चीजें मुख्तार के पास थी, रसूख भी था, ताकत भी थी, बाहुबल था और इन सारी चीजों के बीच में विधायिका की ताकत भी थी, तो इन सारी चीजों को मिलने के बाद वो अपराध करता था, अपराधों के बाद या अपराधिक संगठनों को वो गवर्न कर रहा था और उसके बाद वो सफेदपोश भी बना रहता था, तो एक सफेदपोश के तौर पर मुख्तार अंसारी की जो ताकत थी उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल अखंड, और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार बनने के बाद ही और उससे पहले भी ये साफ किया था कि माफियाओं की, गुंडों की यूपी में खैर नहीं होगी और उसी तरह से तस्वीरें देखने को मिली है लगातार जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, चाहे मुख्तार अंसारी की बात कर ले, चाहे अतीक अहमद की बात कर ले, चाहे किसी भी बड़े गुर्गे की या किसी भी बड़ी गैंग की बात कर ले, सब पर एक तार एक सार कार्रवाई हुई है और इससे बड़ा एग्जाम्पल भी सेट हुआ है बाकी अपराधियों के लिए भी। चले अखंड, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाद आपका। विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन रहा और अंतिम दिन भी विधानसभा में जोरों शोरों से जिस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया, वॉकआउट किया, इस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई आज रही। सत्र की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई और सदन में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव मौजूद रहे। मानसून सत्र में आज के विधायी कार्यों के साथ विपक्ष के जबरदस्त हंगामे का भी जो माहौल है वो देखने को मिला, आसार पहले से ही थे और उसी तरह की चीजें देखने को भी मिली। सदन में कार्रवाई शुरू होते ही सपा ने वॉकआउट कर दिया और अपने विधायकों के साथ रोड पर निकल आए, प्रदर्शन करते हुए सपा दफ्तर तक पहुंचे, जिसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, महंगाई
महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के जो प्रश्न सरकार से किए जा रहे हैं, अखिलेश यादव की तरफ से जो प्रश्न किए गए, उनकी पार्टी की तरफ से जो प्रश्न किए गए, उनका उत्तर नहीं मिला है। सपा ने इसी वजह से विधानसभा से वॉकआउट किया है। मानसून सत्र के आखिरी दिन प्रदर्शन और कार्रवाई शुरू होते ही प्रदर्शन देखने को मिला। सपा ने वॉकआउट किया विधायकों के साथ, रोड पर अखिलेश यादव उतर आए और बीजेपी पर जमकर उन्होंने हमला बोला है। माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आजम खान पर हो रही कार्रवाई को लेकर, समाजवादी पार्टी के विधायकों पर हो रहे हमले और कार्रवाई को लेकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की और वहीं मुलाकात के बाद अखिलेश यादव राजभवन से बाहर निकले और गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और वक्फ की संपत्तियों के सर्वे पर कहा कि समाजवादी पार्टी इस सर्वे के खिलाफ है। अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग न्याय मांगने के लिए के माध्यम से न्याय मिल सकता है। आदरणीय गवर्नर उनसे यही कहा है कि लगातार सरकार आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब और झूठे मुकदमे लगा करके वो जेल में। गृह मंत्री अमित शाह अपने दो दिवसीय दौरे पर बिहार के सीमांचल इलाके में पहुंचे। पूर्णिया में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। जनभावना नाम से जनसभा रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि उनके आने से लालू नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुटिल राजनीति कर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने ये भी कहा कि लालू और नीतीश पर निशाना साधते हुए अमित शाह बोले, जैसे पहले बिहार में क्या हो रहा था ये सबको मालूम है। दिन दहाड़े अपराध होता था, फिरौती मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, फिर लालू जी लठ रैली निकालते थे। अब गांधी मैदान में लालू नीतीश दोनों लठ रैली निकालेंगे और इस तरीके से नीतीश कुमार पर जमकर उन्होंने हमला बोला। आपको बता दें कि दो दिवसीय दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह बिहार पहुंचे हुए हैं, जहां पर पूर्णिया में उनकी जनसभा का कार्यक्रम था। जनसभा को संबोधित उन्होंने किया, लालू नीतीश पर जमकर उन्होंने निशाना साधा। लालू जी, आपके समय में बिहार में क्या हो रहा था वो सबको मालूम है। मालूम है ना भाई, सीमांत क्षेत्र के लोगों मालूम है ना, माताओं बहनों को मालूम है ना। दिन दहाड़े अपहरण होते थे, फिरौतियां मांगी जाती थी, हत्याएं होती थी, हत्याकांड होते थे और लालू जी लठ रैली निकालते थे। अब गांधी मैदान में लालू जी और नीतीश जी दोनों लठ रैली निकालेंगे और नीतीश जी अपने कंधे पर लालू जी को लेकर निकलेंगे, कैसा दृश्य होगा भाई बताओ। माताओं भाइयों बहनों, इस स्वार्थ की राजनीति से ऊपर उठकर हमने विकास की राजनीति की ओर जाना है। लालू जी, आपके समय में बिहार में क्या हो रहा था वो सबको मालूम है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज दौरे को लेकर AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पिछड़े इलाके को कई पैकेज देने के लिए आ रहे हैं, कोई पैकेज देने के लिए आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन वो आ किस लिए रहे हैं ये उन्हें तय करना पड़ेगा। यहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का नारा लगाया जाता है तो हमारी मांग है कि बांग्लादेश और नेपाल की तमाम खुली सीमाओं को सील किया जाए। गृह मंत्री के रूप में आ रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए आए हैं, तो जाहिर है कि देश के वो गृह मंत्री हैं तो देश के सिक्योरिटी के बारे में उनकी चिंता सही है,
लेकिन हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के बाद दूसरी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले अमित शाह जी आ रहे हैं और पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो वो एक ऐसे क्षेत्र में आ रहे हैं जो वंचित क्षेत्र है और यहाँ पर हर साल सैलाब की तबाही से हजारों घर लोग बेघर होते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। जदयू ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दल को अपना पैठ बनाने का अधिकार है, लेकिन बीजेपी की जो राजनीति है वो विभाजनकारी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम करना, विकास के मुद्दे को हटाना जो जनता का मुद्दा है, जैसे महंगाई, जनता का भलाई का मुद्दा, इन सभी मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना लगातार इनका रहता है मुद्दा, जबकि हमारे नेता नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो विभाजनकारी राजनीति है। हिंदू मुस्लिम कराना जो हम लोगों ने परसेप्शन देखा है, विकास के मुद्दों से हटना और कुछ ऐसी बात करना, राम मंदिर कभी कुछ, जो जनता का मुख्य मुद्दा है, महंगाई, जनता के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, कैसा देश, कैसे हम आगे प्रॉस्पर करें, उस पर उन लोगों का कम ध्यान रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग के मस्जिद का दौरा किया और इसके बाद उन्होंने आजादपुर में मदरसा तजाबी दुर कुरान का भी दौरा किया, और जिसे लेकर बीएसपी प्रमुख मायावती ने तंज कसते हुए ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। मायावती ने ट्वीट किया है और ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मायावती ने लिखा है, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत द्वारा कल दिल्ली स्थित मस्जिद मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने और फिर उनसे अपने आप को राष्ट्रपिता व राष्ट्र ऋषि कहलवाने के बाद क्या बीजेपी व इनकी सरकारों का मुसलमान समाज व उनके मस्जिद मदरसों के प्रति नकारात्मक रुख व बर्दाश्त में बदलाव आएगा, ये सवाल मायावती ने खड़ा किया है। ट्विटर पर ट्वीट करते हुए मायावती ने ये बात लिखी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कल दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान उन्होंने मस्जिद और मदरसे में जाकर वहां पर जायजा लिया, वहां पर मदरसे में उलेमाओं से बातचीत की। इसी को लेकर मायावती ने ये ट्वीट किया है, बीएसपी अध्यक्ष मायावती का ट्विटर पर ये ट्वीट आपको बता रहे हैं, जिस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। आरएसएस प्रमुख का दिल्ली दौरा था, मस्जिद और मदरसे में जाकर उलेमाओं से मुलाकात करने को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ तहसील में उफनती राप्ती नदी हर बार गोती बारी तबाह कर जाती है, खेती बारी तबाह कर जाती है, और आपको बता दें कि इस बार भी नदी उफान पर है और जिससे ग्रामीणों को बहुत नुकसान हो सकता है, इसी वजह से ग्रामीणों की नींद हराम हो गई है। ग्रामीण दहशत में जी रहे हैं और अपना घर छोड़ने को मजबूर है। नदी ने अपना बहाव अब बालानगर गाँव के लिए बहुत करीब कर लिया है। आपको बता दें कि नदी से सटे घरों के पास की नदी में बह रही है, नदी का जिस तरीके से बहाव देखने को मिल रहा है उससे लोगों को बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ रहा है। राप्ती नदी के कटान से लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि पानी जो है वो रिहायशी इलाके की तरफ जा रहा है। ग्रामीण जो है बहुत ज़्यादा परेशान है और ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा, कोई भी प्रशासन का नुमाइंदा इनकी सुध लेने को यहाँ पर नहीं आया है, मजबूरन ग्रामीण जो हैं पलायन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, तमाम ग्रामीण जो हैं अपना अपना घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं क्योंकि नदी जो है राप्ती नदी इस वक्त बारिश की वजह से उफान पर है। ऐसे में लोगों की चिंता बढ़ गई है, लोगों को रात में नींद नहीं आती है चिंता की वजह से, फिर भी इनकी कोई सुध लेने के लिए नहीं है आया है गांव में और गांव छोड़ने को मजबूरन ये लोग मजबूर हैं। संबंध में मुझे जानकारी है और आज वहां पर एसडीएम सोहरतगढ़ गए थे, जाकर इस चीज को देखा तो वहां 4 से 6 मीटर दूरी पर नदी बह रही है, कटान हुआ है, लेकिन अभी जो यह दिखने वाला है कि कटान जो है वो
इस तरफ ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रही है। फिर भी जो वहाँ पर 4 से 6 घर हैं, उन घरों के लोगों से बात किया गया कि अगर आप चाहें तो जो हमारा शेल्टर है, जो स्कूल खुलवा दिया गया था, स्कूल में आकर आप रह सकते हैं। संबंध में मुझे जानकारी है, हम खड़े हैं सिद्धार्थ नगर जिले के सोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में पड़ने वाले तौलीहवा टोला बाला नगर में, जो कि बाढ़ की विभीषिका झेल रहे यहाँ के ग्रामीण, जो कि अपना ये घर द्वार छोड़ के ये बाहर निकल गए हैं, अपना खाने पीने का सामान और अपने जानवरों को लेकर ये बाहर निकल जा रहे हैं कहीं सुरक्षित स्थान पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से ये अपने सरों पे सामान लादकर ये बाहर जा रहे हैं सुरक्षित स्थान पे। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्यों ये यहाँ अपने घर द्वार छोड़ के पलायन कर रहे हैं? आप ये अपने घर को छोड़ कर क्यों यहाँ से जा रहे हैं? सर क्या है, नदी का कटान से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया है गाँव, देख लो कितना करीब में आया है, अभी गिर जाएगा रात बिरात में तो बच्चे लोग कहाँ जाएंगे हमारे, इसलिए तो हम लोग को अभी तक कोई यहाँ जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ के सांसद हैं, कभी यहाँ आए आपको पूछने के? थोड़ा थोड़ा तो आते हैं सर, क्योंकि इसका कोई कम से कम 15 साल से यही कारोबार हो रहा है, जब बारिश बाढ़ आती है तभी आते हैं, बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और लोग भी है हमारे साथ, उनसे हम जानकारी करते हैं क्यों छोड़ कर ये जा रहे हैं अपना घर। आप बताए अपना घर छोड़ के क्यों जा रही है यहाँ से? इधर घर गिर रहा है तो हम लोग किधर जाएंगे, घर द्वार गिर रहा है तो कहाँ रहेंगे? प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं यहाँ देखने के? लोग अपना घर द्वार छोड़ के जा रही हैं, आते हैं, ऐसे में कहाँ जाएंगी आप लोग, कहाँ जाएंगे ऐसे में? अब कहाँ जाएंगे, अब जान अभी कहीं सुरक्षित जगह पे जाके बनाएंगे अपना झोपड़ा ओपड़ा और क्या करेंगे। और लोग भी हैं, मैं उनसे जानकारी, आप इतना ये सब सामान लेकर जानवर लेकर क्यों यहाँ से गांव अपना घर छोड़कर प्लान कर रहे हैं? रोड पे रहेंगे, रोड पे रहेंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो क्या करेंगे जब पानी गिर रहा है, सुनाई नहीं, क्या करेंगे? यहाँ के लोगों का कहना है कि हम यहाँ से अपना घर और जानवरों को लेकर सुरक्षित स्थान पे जा रहे हैं, ना ही यहाँ पे कोई शासन का आदमी ना ही प्रशासन का आदमी झांकने तक नहीं आया, यहाँ जो है जनप्रतिनिधि भी देखने नहीं आए कि हमारे क्षेत्र में वहाँ क्षेत्रवासी किस तरह से हैं, ये बाढ़ की कटान के भय से यहाँ से गाँव को छोड़कर जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।